आत्मा कर्मातीत कब बनती है उस पर मैं बताऊंगा। आत्मा कर्मातीत तब बनती है कि जब आत्मा के ऊपर जो सभी कर्मों का लेप छेप लगा हुआ है, आत्मा अनेक जन्मों से चक्कर में कर्म बंधन से आई है, जन्म मरण के चक्र में आत्मा में आती रहती है। केवल धरती पर जन्म मरण के चक्र में आने से लेप छेप लगा ऐसा नहीं है, ऊपर सूक्ष्म अवतन में भी रही हैं, अगर स्वर्ग लोक में रही हैं या महालोक में भी रही हैं या ब्रह्मापुरी में भी रही हैं, तो सभी के आवरणों में लेप छेप तो लगाई है, चाहे विष्णुपुरी में रही हैं चाहे शिवपुरी में रही हैं। तो आत्मा पर आवरणों का तो लेप छेप रही हैं, तो जहाँ भी आत्मा पर आवरणों का लेप छेप है वहाँ संकल्प चले ना, संकल्पों की भाषा। वहाँ तो जैसे विष्णुपुरी में रही या शिवपुरी में रही, तो वहाँ संकल्पों की भाषा है। तो संकल्प चले हैं, तो संकल्प हर संकल्प वहाँ यहाँ कारण शरीर या महाकारण शरीर में रिकॉर्ड है। तो वो संकल्पों का रिकॉर्ड जो कर्मातीत नहीं बनने देता, चाहे हर कोई संकल्प है वो कारण शरीर में हो चाहे महाकारण शरीर में हो, या गैलेक्सी से आत्मा आई है तो परम महाकारण शरीर में भी हो, तो आत्मा को कर्मातीत नहीं बनने देती। अगर आत्मा यहाँ से, जब आत्मा मनुष्य आत्मा नष्ट मोह बनती है और ज्ञान होता है, ज्ञान और योग बल से आत्मा परमात्मा के कनेक्शन से आत्मस्वरूप स्थित होकर, जो वो परमात्मा से पावर लेकर उसके ऊपर के आवरण हटाती है, ऊपर के आवरण हटाती है, तब उसमें जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, चाहे कारण शरीर में जो रिकॉर्ड कर्मों का कारण, चाहे पॉजिटिव हो कर्म हो या नेगेटिव कर्म हो, उसका जो रिकॉर्ड है वो जब धीरे 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 पावर से डिलीट होता है। कारण शरीर में परम लाइट आई तो परम महाकारण शरीर में परम लाइट आई, तो सब धीरे धीरे डिलीट हो जाता है, सभी आवरण धीरे धीरे खुलते जाते हैं। ये आवरण धीरे धीरे खुलने से आत्मा धीरे 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 कर्मातीत अवस्था की ओर जाती है। तो आत्मा का कर्म बंधन से छुटकारा पाना मनुष्य आत्माओं के लिए साधारण बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आत्माएं विकारों में फंसी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसी हुई आत्मा, तो ये सब पहले तो नष्ट मोह वो बने, तब स्मृति स्वरूप बने, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप, इच्छा मात्र में अविद्या बने, तब धीरे धीरे आत्मा निर्विकारी बनती है, मतलब मनुष्य के संकल्प निर्विकारी बनते हैं, आत्मा निर्विकारी नहीं बनती। आत्मा तो निर्विकारी ही है, आत्मा विकारी नहीं है, मगर आत्मा ऊपर जो लेप छेप लगे हैं कर्मों के हिसाब किताब का, ऊपर के आवरणों में उनके अंदर जो लेप छेप है, उनके अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा है, वो सब जड़ाना है। इसलिए ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए, योग बल चाहिए, योग बल से विकर्म नाश होते हैं कहते हैं ना, तो योग बल से पावर आती है, तो उसके आवरणों में सब रिकॉर्ड, कारण में रिकॉर्ड, महाकारण का रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड खत्म हो जाते हैं और आत्मा एक दिन धीरे धीरे करके निराकारी बन जाती है। आत्मा जब निराकारी बन जाती है तो परमधाम में चली जाती है, और फिर वहाँ उसको ओरिजिनल टोटली कर्मातीत अवस्था हो, तो धीरे धीरे निराकारी परमधाम में जाने से उसको ज्ञान होता है, वो महापरमधाम में चली जाती है, महागैलेक्सी में जाती है, फिर यूनिवर्स में जाती है, फिर जीवन में जाती है, G2 में जाती है। अगर बेहद की आत्मा है तो बेहद का ज्ञान होता है, तो बेहद का ज्ञान होता है तो बेहद के परम पिता के, उसके रचयिता के पास जाती हैं। बेहद की आत्मा है बेहद के परम पिता के पास जाती हैं, हर कोई अपने अपने मूल रूप में जाती हैं, अपनी रचयिता के पास जाती हैं। जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो आत्मा अपने रचयिता के पास चली जाती है।